हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बेबी हेल्थ केयर। टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो मेरा किस टॉपिक पर होने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड, आज मैं आप लोग को पूरी तरह से बताऊंगी कि आप किस साइड सोते हो तो आपको बेबी बॉय होने का चांस है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, हमारा फर्स्ट मंथ से लेकर के और 3 मंथ लगता है, वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरह का हमारा हार्मोन्स चेंज होते रहता है। तो इस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या होने वाला है, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इस समय बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा सकते हो कि आपको क्या होने वाला है, क्योंकि ये समय में ना जो हमारे बच्चे का निर्माण होता है हमारे गर्भ में, वो पूरी तरह से नहीं हुआ रहता है, अभी उसका एक बिंदु ही रहता है। तो इसके लिए इस समय नहीं पता लगाया जा सकता है कि आपको क्या होने वाला है। और ये जो होता है मूड स्विंग्स और मॉर्निंग सिकनेस, ये आम बात है, सभी के साथ होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा ये वीडियो या मेरा ये चैनल लिंग भेदभाव के विरोध है, और मैं लिंग भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने प्यारी बहनों की मन की जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। बस इंजॉयली इस वीडियो को लीजिएगा, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट से इस वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, ज़्यादा अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो हो सकता है कि आपको एक बेबी बॉय हो सकता है। और जैसे ही आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है तो जो मॉर्निंग सिकनेस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो भी कम हो जाता है, और चौथा महीना जैसे ही लगता है हमारा, चौथा मंथ से लेकर के और 9 मंथ तक जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे वो लक्षण दिखाई देते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे गर्भ में पलने वाला नन्हा शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जैसे ही ओल्ड वाइफ्स जो हमारे घर में होती हैं, पुराने ज़माने कि जो औरतें होती हैं, वो हमें देखकर ही बता देती हैं कि हमें क्या होने वाला है। जैसे ही हमें बहुत ज़्यादा मतलब आलस फील हो, हम बिल्कुल भी एक्टिव ना हो, हम बहुत ज़्यादा सोने का मन करें, हमें ये मन करे कि हम बिस्तर में पड़े ही रहें, बस उठे ही ना, हमें कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, तो इस केस में हमें बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वैसे ही जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा काम करने का मन करता है, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चलती रहती है कि हम ये कर लें वो कर लें, तो हमें हो सकता है कि हमने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन मेरे केस में बिल्कुल भी इसके अपोजिट था। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो जैसे ही मेरा 3 मंथ गया, मुझे तो 9 मंथ तक मॉर्निंग सिकनेस हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा 3 मंथ ख़त्म हुआ, मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ, वैसे ही मेरा दिमाग एकदम से खाली हो गया। मुझे मन करता था मैं क्या करूँ, कैसे अपने आप को शांत रखूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग में थॉट्स आते थे इधर उधर की, और बहुत मुझे एक्टिव फील होता था, मेरे दिमाग में बहुत ही क्रिएटिविटी चलती रहती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं बहुत सारे काम उस समय सीख गई थी, मुझे मतलब अलग अलग तरह का मैं काम करना पसंद करती थी और कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी मैं उस समय। तो मैंने बहुत सारा कुछ उस समय सीख लिया था, जैसे ही मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, और मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो ऐसा अगर आप लोग के साथ होता है, तो आप हो सकता है कि आपको बेबी बॉय हो, लेकिन मेरे केस में बेबी गर्ल हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो हो सकता है कि आपको बेबी बॉय हो, लेकिन इस केस में भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं होती है। आप इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है आप किसी की बातें सुन के अपने दिमाग को ख़राब करो, इससे अच्छा है कि आप ये सोचो कि जो हमारा हो, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, इस सोच में अपना दिमाग लगाओ और इधर उधर की बातें बिल्कुल भी मत सुनो। जो भी होगा, अच्छा फील करो, बस यही सोचो आप। और पुराने ज़माने में ये भी बोला जाता था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आपको बेबी बॉय हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा तीखा नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो बेबी बॉय हो सकता है। और लड़की के केस में ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता है। अगर आप कितना भी मीठा खा लो, कितना भी तीखा खा लो, आपका मन नहीं हटता है, तो हो सकता है आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और
जैसे ही हमारा मंथ आगे बढ़ता है, जैसे कि हमारा पांचवा मंथ, छठवां मंथ, सातवां ऐसे स्टार्ट होता है, वैसे हमारा पेट जो है ना हैवी होने लगता है, पेट आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो हमें सोने में दिक्कत आती है कि हम किस साइड सोएं जिसे हमें कंफर्ट लगे। तो सोने की स्थिति से भी हम जान सकते हैं कि हमें बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। तो अगर आप लेफ्ट साइड ज़्यादा सोते हो और डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा सोना चाहिए क्योंकि आपका जो भोजन है अच्छे से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, आपका पाचन क्रिया अच्छे से काम कर सके, इसके साथ आपका जो बेबी है उसको प्लेसेंटा के थ्रू आपका जो ब्लड जाता है उसके साथ आपका सारा न्यूट्रिशन जा सके, उसके साथ अगर सारा न्यूट्रिशन जाता है अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तभी, इसके बाद तो आप कंफर्ट के हिसाब से भी सो सकते हो। अगर आपको राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद है तो आप राइट साइड सोइए, अगर लेफ्ट साइड सोना ज़्यादा पसंद है तो लेफ्ट साइड सोइए। लेकिन माना जाता है अगर आप लेफ्ट साइड ज़्यादा सोते हो तो आपको किसी भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप एकदम से एक्टिव रहोगे और सोने में भी एकदम कंफर्ट फील होगा, और इस केस में माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये आपके कंफर्ट के हिसाब से है। मैं तो ज़्यादा राइट साइड ही सोती थी और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता था राइट साइड सोने में, और मैं जब सोती थी तो मुझे नींद भी नहीं आता था, लेकिन मैं राइट साइड ही ज़्यादा सोती थी। और एक बात, अगर आप सीधा सोते हो, उल्टा सोते हो तो प्लीज़ ऐसा मत सोइएगा। और प्रेगनेंसी में आपको एक साइड बिल्कुल भी नहीं सोना है, साइड बदल बदल के कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे सोते हो तो आपका बॉडी का जो जैसे मैं कभी राइट साइड सो जाती थी ना तो मेरा पेट जो है ना एक साइड ज़्यादा लटक जाता था, जब मैं सीधा होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था। तो इसलिए आपको हर कुछ घंटे में आपको अपना पोजीशन बदलते रहना है, कभी राइट कभी लेफ्ट ऐसा सोओगे तो आप बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फील करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो गया है, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल गया है, आपका पेट एकदम गोल आकार में है, तो ये भी हो सकता है कि इस केस में आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वही आपका पेट लंबा हो गया है और नीचे की तरफ लटक गया है तो इस केस में हो सकता है आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। जैसे ही आपके पेट पे जो एक लाइन ब्राउन लाइन चलती है वो सीधी ऊपर की तरफ जा रही है तो इस केस में भी आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, और अगर टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो बेबी गर्ल को कंसीव किया है ऐसा माना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपके दिमाग में ये अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ करते रहो ताकि आपके मन में कोई भी थॉट्स आए ही ना, आप कोई ना कोई काम करके अपने आप को बिजी रखो और बस इस पे ध्यान दो कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो पूरी जर्नी अच्छे से बीते और आप एक नॉर्मल डिलीवरी कर पाओ और आपका जो बेबी हो वो स्वस्थ हो, नॉर्मल हो। बस इस चीज़ में अपना ध्यान लगाओ, इधर उधर की बातें में ध्यान ना लगाओ, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमें देख के बोलते हैं हाँ इसको तो बेटा ही होगा, हाँ इसको तो बेटी होगी, ये सब सुन के ना हमारे माइंड में यही होता है कि हाँ बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि बेटा नहीं होगा तो हमारे घर वालों का मन में यही होगा कि हमें बेटा नहीं हुआ, हम ये हैं हम वो हैं, मतलब घर में ऐसा चलता रहता है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा चलता रहता था तो बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा चलता रहता है। मगर आप इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट मत लो, क्योंकि ये सब सिर्फ कहने की बात है, जिसके ऊपर गुजरता है ना वही जानता है। तो मुझे मालूम है अगर आप ज़्यादा खुश रहोगे, ज़्यादा एक्टिव रहोगे, अपने आप को बिजी रखोगे आप, तो आपके माइंड में ये सब बातें आएंगी ही नहीं। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी या मेरी प्यारे बहनों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिए इस समय, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भोजन लीजिए, अच्छा फूड लीजिए। तो आशा करती हूँ पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।